हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ऐसे पजल के क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसे देखकर आप सच में दंग रह जाओगे। ऐसा पजल के क्वेश्चन लेके आया हूँ तो सोच सके जितना सोच लेना, क्योंकि टाइम तो आपको 30 सेकेंड ही मिलेगा और 30 सेकेंड में आपको कमेंट करके आंसर देना होगा। तो चलिए, आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आपका टाइम शुरू होता है अब। उम्मीद करता हूँ सबका आंसर आ गया होगा। चलिए अब इस पजल को सॉल्व करते हैं। पजल में क्या था, जब भी हमें नंबर छोटे नंबर दिए हो तो हम उसमें प्लस माइनस या डिवाइड करके आंसर आएगा। अब हम 3 + 6 9 होता है, अगर हम -1 कर दें तो 8 आ जाएगा। वैसे ही सेकंड क्या है, 5 8 13 होता है, अगर -1 कर दें तो 12 आएगा। इन्होंने 4 दिया है, मतलब ऐसे नहीं होगा। नीचे की तरफ देखते हैं क्या होगा, 3 5 8 होता है, अगर मैं डिवाइड कर दूँ 2 के साथ तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 6 8 14 होता है, अगर 2 के साथ डिवाइड कर दूँ तो 7 होगा। 8 4 12 होगा, अगर मैं 2 के साथ डिवाइड कर दूँ तो 6 आएगा। मैं इसका आंसर क्या आएगा, 6। सेकेंड पजल को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पजल आपकी स्क्रीन पे, आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका टाइम खत्म हो चुका है। चलिए अब पजल को सॉल्व करते हैं। जिसका आंसर आ गया है वो कमेंट में अपना आंसर कर शेयर करें। चलिए पजल को सॉल्व करते हैं कि पजल क्या था। दोस्तों आपको पैटर्न समझ में आ रहा है, क्या दिया है पैटर्न, 9 4 1 6 36 16 9 13। इसमें क्या किया है, अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँ तो 9 होता है, 2 का स्क्वायर करूँ तो 4 होगा, 1 का स्क्वायर करूँ तो 1 ही होगा। अगर मैं इन तीनों को प्लस करूँ तो 6 आंसर आ जाएगा। वैसे ही सेकंड क्या है, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और इसको ए प्लस कर दूँ तो 13 आ जाएगा। वैसे ही लास्ट क्या है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और इनको प्लस कर दो तो 10, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 10। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको पजल सॉल्व करने में मज़ा आ रहा होगा। और अब हम लास्ट पजल करेंगे और लास्ट पजल आपकी स्क्रीन पे। चल आपका टाइम शुरू होता है अब। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्तों ने अपना आंसर कमेंट किया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं इस पज़ल को कि पज़ल में क्या था। आप 2-3 बार देखोगे तो पज़ल हिंट से ही पता चल जा रहा है कैसे इसका आंसर आएगा। अगर मैं 26 - 11 करूँ तो 15 मिलेगा, अगर मैं 15 - 5 करूँ तो 10 आ जाएगा। वैसे ही क्या है, 18 - 9 करूँ तो 9 होगा, 9 - 4 करूँगा तो 5 मिल जाएगा। वैसे ही लास्ट में क्या है, 10 - 7 करूँगा तो 3 आएगा, 3 - 1 करूँगा तो 2 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 2। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।